नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई आई चूज हनीवेल। मैंने हनीवेल को क्यों प्रेफर किया था ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं था कि हनीवेल एक ऐसी कंपनी थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा पैकेज दिया था, बिल्कुल भी नहीं। इससे ऊपर भी मेरे पास काफी ज्यादा पैकेजेस थे, बट स्टिल आई प्रेफर टू ज्वाइन हनीवेल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मैंने उसको प्रेफर किया था, या फिर मेरे पास उसके अलावा कौन कौन से ऐसे ऑप्शन थे जिनको मैं ज्वाइन करना चाहता था। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि पिछले कुछ महीने पहले जब मैं इंटरव्यूज प्रोसेस के दौरान गुजर रहा था, तो मैंने काफी ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे और इन दी एंड मैंने हनीवेल को चूज किया। हनीवेल का इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं उसको शेयर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मे बी इन फ्यूचर आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा मैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए मैं आपको ये चीज कहूंगा कि मैंने हनीवेल को क्यों प्रेफर किया था। तो देखिए, सबसे पहला रीजन ये था कि इस टाइम पे मैं एक ऐसी कंपनी चाहता था जो स्टेबल हो, जिसमें मुझे जॉब का इतना ज्यादा डर ना हो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अब मुझे थोड़ी बहुत उसकी जरूरत लगने लग पड़ी थी। जिसके कारण मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो कि स्टार्टअप काइंड ऑफ अ लेवल तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जिस तरह से आजकल लोगों के पैकेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट के डायनेमिक्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, मेरे मन में ये थोड़ा सा डर था कि अगर मैंने प्रॉपरली एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया तो शायद इतनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी ना हो। चाहे वो स्टार्टअप मुझे बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफर भी कर रहा होता, तब भी मैं उसको प्रेफर नहीं करता। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द रीजन था कि मैंने किसी भी और स्टार्टअप को प्रेफर नहीं किया और मैंने हनीवेल को क्यों प्रेफर किया था। दूसरा रीजन ये था कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज भी देख रहा था, मुझे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिसका आगे जाकर काफी ज्यादा स्कोप हो, और हनीवेल में मुझे ये वाली ऑप्शन भी मिल रही थी। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज जब मैंने कंपेयर की, जितने भी मेरे पास ऑफर लेटर थे या फिर जितने भी लोगों से मैंने बात की थी कि उस प्रोजेक्ट में मेरा काम क्या होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उन सब के कंपैरिजन में हनीवेल का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा था उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने हनीवेल को उस टाइम पे ज्यादा प्रेफर किया। उसके अलावा तीसरी ऑप्शन थी सैलरी। अब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ सैलरी को ही देखकर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूं। हाँ, सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर मैं किसी स्टार्टअप में जाकर ज्वाइन कर लूं या फिर मेरे को कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ही ना दे रहा हो, तो मैं उसमें मैं सैलरी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। या फिर अगर सैलरी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो, मतलब कि मान लो कि 60-70% अगर इंक्रीमेंट हो, फिर भी मैं सोच सकता था कि यार किसी दूसरी कंपनी को प्रेफर करूं। लेकिन जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट ऑफर था और जो मेरा हनीवेल का था, उन दोनों में सिर्फ 5 LPA का डिफरेंस था, जो कि मुझे उस दौरान इतना ज्यादा नहीं लग रहा था कि मैं इतना ज्यादा अपना रिस्क उस पर ले लूं, क्योंकि वो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतना ज्यादा उसका मतलब आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मुझे शायद उस कंपनी में देखने को ना मिलती। तो जिस रीजन के कारण मैंने उस टाइम पे भी हनीवेल को ही प्रेफर किया था। फोर्थ रीजन इज डेफिनेटली बैंगलोर। आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन अ कंपनी, या तो मुझे पुणे लोकेशन मिलती या बैंगलोर लोकेशन मिलती, तो मैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देता एज कम्पेयर टू दिल्ली NCR। और हनीवेल में मुझे ये ऑप्शन मिल रही थी कि मैं बैंगलोर रिलोकेट हो सकता हूँ, और मुझे था कि यार मैंने दिल्ली NCR में बहुत काम कर लिया है, ये समय मेरा ऐसा है कि जहां पे मैं और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसके कारण मैं बैंगलोर को प्रेफर कर रहा था। और हनीवेल मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही थी, जिसके कारण मैं हनीवेल को ज्यादा प्रेफर कर रहा था। फिफ्थ रीजन था बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। देखिए, जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो अगर आपने काफी ज्यादा समय वहां पे बिता दिया हो, उसके बाद जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, तो आपको लेवल का डिफरेंस पता चलता है कि वहां पे किस तरह का माहौल होता था और यहाँ पे किस तरह का माहौल होता था। तो उसके बाद आप कभी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा एनवायरमेंट अपनी पिछली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देखने को मिला था, जिसके कारण मैं अभी भी यही चीज प्रेफर कर रहा था कि मैं किसी ऐसी कंपनी में जाऊं जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, ना कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो। और हनीवेल में मुझे ये चीज देखने को भी मिल रही थी, जिसके कारण मैंने बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में हनीवेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क लाइफ बैलेंस रिव्यूज। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी हनीवेल के नाम के, और इवन कि मैंने बाकी कंपनीज का भी रिसर्च किया था, और मुझे ये चीज देखने को मिली थी कि हनीवेल में वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छा था। और सेम चीज मुझे देखने को भी मिली, अब मतलब अगर एक दो महीने की बात मैं कर लूं कि जितना मुझे हनीवेल में काम टाइम हो चुका है काम करते करते, तो ये मैं चीज कह सकता हूं कि हनीवेल का वर्क लाइफ बैलेंस एज कम्पेयर टू बाकी जहां पे मैंने काम किया है, वहां के कंपैरेटिव में बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे देखने को मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांड वैल्यू। तो ऑब्वियसली हनीवेल का नाम, अब मुझे पहले इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अब मैं अगर किसी को भी बताता हूँ कि हनीवेल में काम करता हूँ, या फिर बैंगलोर में आकर किसी को भी बोलता हूँ ऐसा हनीवेल, तो सबको पता है ब्रांड वैल्यू उसकी काफी ज्यादा। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला कि इसका नाम काफी ज्यादा मतलब बड़ी कंपनीज में लिया जाता है, तो ऑब्वियसली इसको प्रेफर करना काफी ज्यादा सही रहेगा। उस टाइम में मेरे को याद है कि मेरे पास सिर्फ दो ऑफर थे जिसको मैं कंसिडर कर रहा था, एक थी बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरी थी हनीवेल। बैंक ऑफ अमेरिका में ये दिक्कत थी कि
जो मुझे टेक्नोलॉजी में चाहता था जिसमें काम करना, वो मुझे प्रॉपरली नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण मैं सोच रहा था कि किसको चूज करूं। लेकिन हनीवेल में मुझे जब प्रॉपर प्रोजेक्ट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था कि ये तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली थी, तो मैंने ये चीज फाइनलाइज कर ली थी कि हाँ, हनीवेल को ज्यादा प्रेफर करूंगा। और हनीवेल में आपको ये चीज कहूंगी, ये मेरी हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं थी। इससे ऊपर मेरे पास 4 ऑफर लेटर थे जिनका डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम अगर डिफरेंस की बात करूं तो 5 LPA का डिफरेंस था। लेकिन मुझे वैल्यू फॉर मनी हनीवेल ज्यादा लग रही थी, क्योंकि क्या हो जाता है ना, एक लिमिट के बाद आपको इनकम टैक्स भी कैलकुलेट साथ में करना पड़ता है कि यार डिफरेंस कितना आएगा, इन हैंड सैलरी में आपको मिलेगा क्या। अगर वो डिफरेंस आपका 10-15 हजार का बन रहा है तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी जब कैलकुलेट कर रहा था कि यार जब एक प्रॉपर पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं जिसके बाद आपको इनकम टैक्स ज्यादा लगने लग पड़ता है, तो मैं ये चीज सोच रहा था कि यार इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला इनहैंड सैलरी में, तो क्या ही फायदा ज्यादा सैलरी को प्रेफर करने का। इट्स बेटर कि मैं कैसी कंपनी चूज करूं जहां पे मुझे सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ब्रांड वैल्यू भी मिल रही थी, सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बिल्कुल बहुत ही कम थी, बहुत ही अच्छी सैलरी थी। देन उसके अलावा मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा था जिसपे मुझे फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा दिख रहा था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जिन पर मैं काम करने वाला हूं। तो ये सारे के सारे रीजंस थे जिसके कारण मैंने हनीवेल को प्रेफर किया। तो आई होप कि आप सबको आंसर मिल चुका हो कि मैंने बाकी जितने भी कंपनीज में मेरे इंटरव्यूज क्लियर हुए थे, मैंने उनको प्रेफर क्यों नहीं किया एंड व्हाई आई प्रेफर टू चूज हनीवेल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम या फिर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।